नेक्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल नेचुरल। तो फिजिकल एजुकेशन छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी फिजिकल एवं मानसिक जो सुधार होते हैं, शारीरिक और मानसिक सुधार होते हैं, उसके अवसर प्रदान करता है। एथलीट, हम एथलीट और खेल और खेल और मनोरंजन के कार्यक्रम के माध्यम से भी हम लोग शरीर का विकास करना, फिजिकली डेवलपमेंट है ना। फिर हमारा आ जाता सोशल सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और हमारा पांचवा तंत्रिका पेशी विकास। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारा फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। किसी व्यक्ति द्वारा सावधानीपूर्वक चयनित शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से या सक्रिय रूप से उसमें भाग लेता है। अच्छे स्वास्थ्य और उच्च स्तर पर जो फिजिकल फिटनेस का विकास और रखरखाव करेगा वो शारीरिक कौशल का अधिग्रहण और एक व्यक्ति को आगे फिजिकली गतिविधियों में भी उसके भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकता है और उसकी जो गतिविधियाँ होती है उसके लिए उसकी जो वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, उसको भी बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करता है और उसमें मिलता है। नेक्स्ट दिया गया तीसरा इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा गतिविधि की अनौपचारिक प्रकृति है ना, जो अवसर प्रदान करती वो आत्म अभिव्यक्ति और भावनात्मक महारत के लिए भी उस लक्षणों का उदाहरण, जैसे इसमें दिया गया है, अलग 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 दिया गया है इसमें तीनों चारों है ना, जैसे आत्मविश्वास, सेल्फ कंडीशन, आत्मविश्वास, बीमार या रिलायंस विनिर्माण हल, आत्म संयम, चतुर्थ साहस। इसी तरीके से फोर्थ वाला हमारा आ जाता है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। फिजिकल एजुकेशन गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करता है क्योंकि यह गति के अंतर्निहित यांत्रिकी सिद्धांतों को सिखाता है और जैसे जैसे उन्होंने खेल और खेल के माध्यम से भी विकसित करता है क्योंकि गति उसके उन्होंने खेल खेल में नियमों का उसकी जो रणनीति बनाई है उसके बारे में प्लानिंग की है, उसे ज्ञान और समझ हासिल भी की है। ठीक है, और वह अब नेक्स्ट इसी के अंदर दिया गया है कि वह जिम्नास्टिक डांस अपने सुधारने के लिए अलग अलग स्पोर्ट्स में, अलग अलग अपने कार्यक्रमों में अपनी फिजिकली बढ़ा सकता है मेंटल डेवलपमेंट के तरीकों को। ठीक है, ये इसके तरीके खोजे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 आ जाता है न्यूरोमसल डेवलपमेंट, तंत्रिका पेशी विकास। इसमें तंत्रिका पेशी विकास में तंत्रिकाओं के बीच उसका क्रियान्वयन में समन्वय होता है, मतलब प्रणाली और पेशी प्रणाली शारीरिक फिजिकल एजुकेशन कार्यक्रम में उसकी कौशल की ओर ले जाता है और अच्छा कामकाज उसे करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बारे में अब आया है ना, ये आप देख लीजिए 1.3 है ना, अभी तो ये वाला देख लेना अपने ऊपर का भी, फिर इसमें 1.3 वाला ये देखो कि चेंजिंग ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, आपके पास में पेज होगा, उसमें पेज में आपने देखना उसे। फिजिकल एजुकेशन, चेंजिंग ट्रेंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें दिया गया है कि जो 19वीं और 20वीं शताब्दी थी उसमें फिजिकल एजुकेशन, फिजिकली शिक्षा के अत्यधिक महत्व मतलब महत्व प्राप्त कर लिया जाता था और इसमें अलग अलग उन्नीसवीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो फिजिकल एजुकेशन होती थी, फिजिकल शिक्षा होती थी, उसके अत्यधिक महत्व को प्राप्त कर लिया जाता था। चाहे हम एक नज़र डालते हैं ये इस पेज के ऊपर, आप लोगों ने देखना कि जो हैंडबॉल है, हैंडबॉल से ऊपर देखना, फिजिकली हम लोग कैसे
मतलब 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या करते थे, कैसे करते थे, तो उसी के बारे में दिया गया कि इस क्षेत्र में इतिहास में हम देख सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन के विकास के लिए कई परिवर्तन हुए हैं और उसे हम लोगों ने तद अनुसार मतलब बदलते स्वास्थ्य और प्रवृत्तियों को और खेल प्रवृत्तियों के साथ साथ इसका अर्थ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्नता। यह कहना गलत है कि जो भौतिक शब्द है वो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। प्राचीन काल में जो हम मनुष्य को जीवित रहने के लिए शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन की आवश्यकता होती थी वो थी। और नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन का विकास सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो इसमें दिया गया है कि रोमन स्पॉन्डेंट्स एथेनियम जे हैं जे ये जो है वो सभ्यताएँ व्यायाम प्रैक्टिस और उस शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन को एक रूप में पेश किया जाता था और उसके लिए आवश्यक कौशल था। अब हमें पृथ्वी पर जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन की प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं। प्राचीन काल तक उस समय इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता था। जैसे जैसे सभ्यता बदलती रही वैसे वैसे शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन भी उसके साथ साथ बदलती रही, वैसे वैसे शारीरिक शिक्षा का अर्थ भी वही रहा है, लेकिन कोई नहीं इसका वास्तविक अर्थ समझ पाया। आज भी इसका वास्तविक अर्थ कोई समझ नहीं पाया है। किसी ने भी इसे फिजिकल ट्रेनिंग दी है, स्पोर्ट्स बॉडी कल्चर कहा है, और किसी ने कहा है दूसरों ने इसे स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन भी कहा है, लेकिन वास्तव में जो शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन है वो बहुत अधिक है, हमारे मानसिक रूप में भी और हमारे स्वास्थ्य में भी। इसके अलावा जो वर्तमान में हमारी जो फिजिकली गतिविधियाँ होती है उसके माध्यम से हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए भी प्रयास में उसमें उसका प्रयास कहा जाता है। ये हमारा हो गया आज का पूरा कंप्लीट, हमारा ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश्ड। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। ओके बेटा, गुड।